नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनबात टाइम्स। आज दिनांक 4/1/2022 को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जावेद कुरैशी 88 दक्षिणा विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जावेद कुरैशी ने घर घर तक अपने चुनाव चिन्ह केतली को पहुँचाने का संकल्प लिया व रैली निकालकर अपने समर्थकों व पार्टी के पदाधिकारियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। रैली रामलीला ग्रांड से चलकर सदर भट्टी, नई नाइकी मंडी, पचकुया, सेंट जॉन्स बेसन की मंडी होती हुई कोटी मीना बाजार पर समाप्त हुई। आप देख रहे हैं आगरा से प्रताप सिंह आजाद के साथ अभय शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम जावेद कुरैशी है, आजाद समाज पार्टी 88 दक्षिण विधानसभा प्रभारी। अच्छा, पार्टी को किस तरीके से जो अब जो रैली है उसको आप किस तरीके से आगे लेके चलेंगे आगे? ऐसा है, आज 4 जनवरी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पर हम पूरे उत्तर प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को जो है इसी तरीके से रैली निकालेंगे। और रैली निकालने का हमारा मकसद ये है कि हम घर घर जाके हर गांव की गली में और शहर में अपने चुनाव चिन्ह जो हमें जो मिला है केतली, वो घर घर जाके लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ज़्यादा से ज़्यादा ये बटन केतली का बटन दबा करके और भारी बहुमत से जिताने का काम करें, जिससे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और जो परेशानियां, जो तकलीफें जो हमने ये 5 साल में आपने गुजारी हैं, उसको भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमें उनसे निजात दिलाएं। 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें पार्टी का मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे? मुख्य एजेंडे हमारा जो सबसे पहला है, स्वास्थ्य सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पुख्ता करना, और जो शिक्षा है, जो वंचित हमें जो किया जा रहा है हर दिन, हमारे जो संविधान के हक हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, हमें पढ़ाई से पीछे रखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे और शिक्षा के ऊपर ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। और जो बेरोज़गारी हमारे युवाओं ने ये 5 साल में जो झेली है, उस रोज़गारी को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम युवा हैं, बेरोज़गारी का मतलब समझ सकते हैं, और जो जिनके जो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके हैं उनको बेरोज़गारी का क्या मतलब। आपकी बाइक रैली कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? हमारी बाइक रैली यहाँ रामजीला ग्राउंड से चलेगी और मंटोला नाइकी मंडी होते हुए, बेसन की बस्ती होते हुए और रामनगर की पुलिया और ईदगाह में उसका समापन होगा। अच्छा, पार्टी किसी से गठबंधन आगे चल के कुछ ऐसा अंदेशा? देखिए, ये राष्ट्रीय कोर कमेटी है हमारी, ये उनका डिसीजन रहेगा। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश हम लोगों को मिलता है हम उस काम को बखूबी पूरी ताकत के मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। पहले पर्चे में जानना चाहूँगा। मैं विक्की आज़ाद, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, आगरा से। अच्छा, आपका जो अब आप जो रैली वैली जो निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं जो रैलियाँ, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य देखिए ये है, जो इस कोरोना काल में और पिछले कुछ सालों से जो लोगों पे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हुई हैं, परेशानियां हुई हैं, लोग ना जाने कितने लोग हमारे बेसहारा इस तरीके से चले गए जो नहीं जाने चाहिए थे, जिनको उपचार नहीं मिल पाया। अभी आपने पिछला जो लॉकडाउन देखा था, लोगों को जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं 20,000 रुपये में, 50,000 रुपये में दिए जा रहे थे, और कुछ ऐसे धन्ना सेठ थे जिनके हॉस्पिटल खुले हुए हैं तो उनको ब्लैक कर रहे थे। तो उस लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि जो चीज़ें कुछ मुफ्त में मिलती हैं फिर भी लोग उनको किस तरीके से ब्लैक कर रहे हैं, और ये कौन है? ये उन्हीं सरकार के लोग हैं, उन्हीं के अस्पताल हैं, वही लोग हम पे अत्याचार करते हैं बहुजन समाज के लोगों पे। तो आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो आम जन में जाके लोगों को अवगत कराना है किस तरीके से आपका उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। अच्छा, जो आपके जो दलित समाज के अंदर जो अब शिक्षा की जो कमी है, अगर आपका कोई प्रत्याशी चुन के आता है या विधानसभा तक पहुंचते हैं आप लोग, तो उसके लिए आप क्या, आपके प्रोग्राम रहेंगे, उनके लिए क्या एजेंडे रहेंगे? पहली बात
ये दलित समाज की नहीं, ये बहुजन समाज की पार्टी है जी, है ना। जो भी हम कार्य कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो। देखिए आम जन को क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार, है ना, और स्वास्थ्य संबंधित। अगर यही सारी समस्याएं अगर हम समाधान कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आज की सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो सरकार है, मैं वो तो कहना चाहूँगा, सीधा सीधा अत्याचार कर रही है, हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आए दिन आप देखते होंगे, तो आप अवगत हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं जी। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मैं भीम आर्मी के राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी काशीराम आगरा जनपद से जिला महासचिव। आज कार्यक्रम रखा गया है? आज जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 4 और 5 का जो प्रोग्राम रहेगा, ये जन जन लोगों के बीच में जाकर उनको बताना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे रोटी कपड़ा मकान, इस पर जो कार्य कर रहे हैं, जो बाकी की सरकारें नहीं कर रही हैं, तो हमें लोगों के बीच जाकर उन तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो सरकार में जो व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है और हर समाज को लेकर के जो बात आज समाज बोल रहा है, उसके विषय में अगर आप पहुँचते हैं तो उसके विषय को लेकर के आप कैसे एजेंडा लेकर चलेंगे? आप एजेंडा तो ऐसा है कि व्यापारियों का शोषण क्या, सभी का ही शोषण हो रहा है। अगर आप एक नज़रिए से देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ये सरकार शोषण नहीं कर रही है। यहाँ व्यापारी क्या, हम क्या, आप क्या, सभी लोगों का शोषण हो रहा है। जब अगर हमारे पास इस चीज़ की कार्रवाई होगी, हम बात कर रखी जाएगी, तो हम सभी के साथ हैं, तन मन धन, हमारी सरकार हर चीज़। आप देखते रहेंगे जितनी भी एट्रोसिटी घटना है या कोई भी मामला आता है, भीम आर्मी उसको संज्ञान में लेती है। चुनाव के लिए क्या 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं? 2022 तक के लिए हमारी इतनी तैयारी है कि आपने देखा होगा कि 2 साल में ही ये पार्टी इतना उभर के आई है कि यहाँ तक बूथ वार्ड तक हमारी पार्टी टीम बन चुकी है, और बूथ वार्ड ब्लॉक सारे तैयार हैं। और जब सरकार अगर हमारी आएगी और कोई विधायक निकलेंगे हमारे, तो हम उनके लिए काम करेंगे, जो ये सरकार नहीं कर रही है। किसी से कोई समर्थन पार्टी से? समर्थन अभी ऐसा कोई नहीं है। जो भाई कहेंगे, जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व के आदेश आएंगे, हम उसका पालन करेंगे। अंसारी वारसी है, मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम महानगर अध्यक्ष आगरा हूँ। और आपके जो इस बार जो रैली निकल रही है, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, इसके बारे में आपको प्रकाश डालते हैं। भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद ने अभी कुछ दिन पहले हमें जो है 4 तारीख को और 5 तारीख को आह्वान किया है, प्रत्येक मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के, महानगर के, हमारे वार्ड के पदाधिकारी सब एकत्रित होकर गांव-गांव और वार्ड वार्ड जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं, और हमारा जो चुनाव चिन्ह केतली है उसके बारे में बता रहे हैं। और जो आज सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा जो निजीकरण हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेकार और ठप है, उसके बारे में बताएंगे। भाई चंद्रशेखर जी की जो रीति नीति है उसके बारे में लोगों को हम अवगत कराएंगे। अच्छा, जो आपका जो इस बार कोरोना काल में जो लोगों के रोजगार समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई नौकरी पेशा वर्ग हो, अगर आपके लोग वहाँ पर आपके पहुँचते हैं संसद विधानसभा तक, तो इसके लिए आप क्या मांग वहाँ उठाएंगे लोगों के लिए? हम आपको आश्वासन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, कि अगर भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में सरकार आती है तो शिक्षा फ्री और स्वास्थ्य व्यवस्था, जो मूलभूत चीज़ें हैं, बत्ती, शिक्षा, ये सब फ्री की जाएगी। जो आजकल जो टोरेंट पावर का जो आगरा में, हाँ, हम जल्दी ही टोरेंट पावर का जो है आने वाले समय में हम एक रणनीति बना रहे हैं, इस पे भी हम जल्दी काम करेंगे और टोरेंट पावर को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। अगर खदेड़ा नहीं तो वो कोई भी गरीब और परेशान असहाय व्यक्ति को परेशान करने का कारण नहीं करेगी, ऐसी हमारी भाई चंद्रशेखर जी की तरफ से हमें दिशा निर्देश बस मिलना बाकी रहेगा, हमने उन तक अपनी बात पहुँचा दी है। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।